पट्टा क्या होता है इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। पट्टा कैसे किया जाता है, ठीक है? तो पट्टा के लिए तो दो पक्षकार चाहिए। हम स्थावर संपत्ति के पट्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है? दो पक्षकार चाहिए, जो जिसमें एक कहलाएगा पट्टा कर्ता और एक पट्टेदार। पक्षकार एक पट्टा कर्ता और पट्टेदार, संक्षेप में लिख देते हैं, समझ जाइए। दूसरा आवश्यक तत्व तो है इसकी संपत्ति। संपत्ति कैसी? स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति। तीसरा, इसमें संपत्ति का अंतरण होता है, लेकिन ये अंतरण किस चीज के लिए होता है? उपभोग के लिए। संपत्ति दी जाती है किस लिए? उपभोग का। अंतरण किस चीज का है? उपभोग का अंतरण है। हमने विक्रय में क्या देखा था? वो कौन सा अंतरण है? स्वामित्व का अंतरण, ठीक है? और ये अंतरण जो उपभोग किया जा रहा है वो किसी ना किसी अवधि के लिए होगी। अवधि कैसी हो सकती है? या तो शाश्वत काल हो सकती है हमेशा के लिए, या निश्चित अवधि हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है? और सबसे बड़ी आवश्यकता तो जो प्रतिफल, पैसा दोगे अब दूंगा, हम काहे अपनी संपत्ति तुमको देने जाएं, काहे दें आपको? तो आप प्रतिफल दोगे तब हम पट्टा को देंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व तो हैं, ये पूरे फुलफिल होंगे तभी जाके आपका पट्टा कंप्लीट होगा, ठीक है? तो इसको क्या कह सकते हैं? पट्टा जो है स्थावर संपत्ति में अंतरण है। किस चीज का? उपभोग के अधिकार का। पट्टा क्या है? स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण है, जो किसी निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए, निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए हो सकती है। और ये प्रतिफल के रूप में या तो आप धन दे दीजिए या तो कोई अंश दे दीजिए किसी, मतलब या तो धन दे दीजिए या तो अंश दे दीजिए या वचन दीजिए कि हम ये पैसा इतना चुकाएंगे, ठीक है? तो ये प्रतिफल हो जाएगा आपका। तो ये जब 5 आवश्यक तत्व मिल जाएंगे तो आपके पट्टा का निर्माण होगा, ठीक है? तो ये पट्टा भी खत्म हो गया आपका।